गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 9A। ठीक है, प्रिपेयरिंग बिल्स। प्रिपेयरिंग बिल्स, बिल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब हम किसी भी शॉप में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो हम कुछ खरीदते हैं तो हमें शॉपकीपर क्या देता है? बिल देता है। ठीक है, तो वो बिल कैसे बनाए जाते हैं ये मैं आज आपको बताऊँगी। ये देखिए, नेम संदेश, कोई संदेश कस्टमर है, क्वान्टिटी टूथपेस्ट एक लिया उसने, चॉकलेट बार 5 लिए, च्यूइंग गम 3 ली उसने, ये डेट में। ठीक, कॉस्ट टूथपेस्ट की कॉस्ट 21 रुपीज़, चॉकलेट बार की कॉस्ट 11 रुपीज़, च्यूइंग गम की 2 रुपीज़। तो टूथपेस्ट उसने एक लिया तो एक की कॉस्ट, चॉकलेट बार उसने 5 लिए तो 11 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक की कॉस्ट इतनी है, 5 की 5 का मल्टीप्लाई 55। च्युइंगम, 1 च्युइंगम 2 रुपीज़ की, 3 च्युइंगम 2 × 3 6 रुपीज़। तो ग्रैंड टोटल हमारा ये आ गया। हम देखेंगे एक्सरसाइज। हियर इज़ द मेन्यू ऑफ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का मेन्यू है प्रिपेयरिंग द बिल्स फॉर द कस्टमर्स हु हैव ईटन एट द रेस्टोरेंट। तो ये हमारे आइटम है, सूप, जूस, डोसा, पिज़्ज़ा, वेज कटलेट, मिल्क शेक, फिंगर चिप्स, आइसक्रीम, कॉफ़ी एंड टी, और ये सभी की कॉस्ट दी गई हैं। अब हमें बिल बनाना है। सपोज़ कोई एक पर्सन है, उसने वेज कटलेट लिया, फिंगर चिप्स लिए, मिल्क शेक लिए, कॉफ़ी लिए। वेज कटलेट कितने लिए स्टूडेंट? 2। वेज कटलेट की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज़ करके मैं आपको बताती हूँ। वेज कटलेट की कॉस्ट कितनी रुपीज़ है? वेज कटलेट की कॉस्ट है 10.25 रुपीज़। ठीक है, और उसने वेज कटलेट कितने लिए स्टूडेंट्स? 2 लिए हैं। तो ये फॉर 1 के लिए है ये कॉस्ट। ठीक है, उसने कितने लिए हैं? 2 लिए हैं। तो फॉर 2 के लिए कॉस्ट कितनी होगी? 10.25 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 2 0 0, 2 1 2। ठीक है, और तो ये आ गया हमारा 20.05। ऐसे नहीं लिख सकते सिर्फ 5, तो ऐसे लिखेंगे 20.05 रुपीज़। ये देखो, सिमिलरली फिंगर चिप्स, फिंगर चिप्स की कॉस्ट 8 रुपीज़ है, 2 लिए उसने, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ गया। मिल्क शेक 3 लिए, मिल्क शेक की कॉस्ट देख लेते हैं, 7 रुपीज़, 7.40, तो 3 लिए तो 3 का मल्टीप्लाई, ऐसे ही करके हम इसमें लिख देंगे। एक और नीचे टेबल दी गई जिसमें सूप, जूस, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, सभी की कॉस्ट लिखेंगे इस वाली टेबल से देख के। सूप की कॉस्ट 30 रुपीज़, जूस की कॉस्ट 15 रुपीज़, पिज़्ज़ा की कॉस्ट 14 रुपीज़, आइसक्रीम की कॉस्ट 11 रुपीज़। अब उसने जितना लिया है उस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट में। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई 30 में, तो 120 रुपीज़ टोटल कॉस्ट हो गई। जूस की कॉस्ट 30 रुपीज़ हो गई, पिज़्ज़ा की कॉस्ट 56 रुपीज़ हो गई, एंड आइसक्रीम की कॉस्ट 56 रुपीज़ 25 पैसे। तो ऐसे हम बनाते हैं बिल। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।